इस सबके बीच एक और बड़ी खबर जान लीजिए आप। अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले तीनों आरोपी प्रयागराज के रहने वाले नहीं बल्कि प्रयागराज के बाहर के रहने वाले हैं। ये बड़ा खुलासा है। सूत्रों के मुताबिक अब तक जो इन तीनों आरोपियों से पूछताछ हुई है, और आपको बताती चलूं कि इन तीनों आरोपियों से पूछताछ जो है वो पुलिस के आला अधिकारी कर रहे हैं। अतीक अशरफ की हत्या करने वाले लवलेश तिवारी कहां कहां के रहने वाले हैं, ये सामने आई है लोकेशन इनकी। लवलेश तिवारी बांदा, अरुण मौर्य हमीरपुर का निवासी, और तीसरा आरोपी सनी कासगंज जनपद से है। तो ये तीन आरोपी नाम आप पहले ही जानते थे, लवलेश तिवारी, सनी और अरुण मौर्य, और ये कहां कहां के हैं ये भी अब जानकारी सामने निकल कर आ रही है। पूछताछ में तीनों आरोपियों ने अपना यही पता बताया है। पुलिस इनके बयानों को वेरीफाई कर रही है। जांच ने अफसर की क्लियर हो रही है कि तीनों अतीक और अशरफ की हत्या के मकसद से ही प्रयागराज आए थे, यह तस्वीर साफ हो रही है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं। संजय, लवलेश तिवारी, सनी और अरुण मौर्य, ये उन तीनों आरोपियों के नाम जिन्होंने कल रात 10:30 बजे माफिया ब्रदर्स पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। अभी तक की पूछताछ में एक बात साफ हो रही है कि निजी रंजिश इन लोगों की नहीं थी, तो क्या ये सुपारी किलर्स ही थे जिन्होंने माफिया ब्रदर्स का खात्मा किया? इस बात पर सूत्र क्या मोहर लगाते हुए नजर आ रहे हैं संजय? देखिए रोमाना, बहुत स्पष्ट तो अभी कुछ भी कहने की स्थिति में पुलिस नहीं है। जो पुलिस सोर्सेज हैं उनका कहना है कि अभी पूरे पूछताछ की जा रही है और कई बिंदु ऐसे हैं जिनको लेकर के जांच पड़ताल की जा रही है। प्राथमिक जांच में, प्राथमिक पूछताछ में पता चला है कि अब तक इनकी अतीक अहमद से कोई सीधी रंजिश नहीं है, कोई जमीनी रंजिश नहीं है, कोई विवाद नहीं है, ये कोई बात भी स्पष्ट नहीं हो रही है। फिर हत्या करने के पीछे का कारण क्या है, इसको लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है। एक एंगल पाकिस्तान वाला भी टेरर एंगल इस तरह का सामने आया था कि जो असलहों की तस्करी हो रही थी पाकिस्तान में, पाकिस्तान के जरिए वाया ड्रोन और पंजाब ला करके फिर उन असलहों को कश्मीर पहुंचाया जाता था, वो एक एंगल हो रहा है कि अगर वो नेटवर्क खुल जाता, अगर अतीक अहमद से लंबी पूछताछ होती। इसके अलावा एक एंगल ये भी है कि जिन लोगों के नाम पर बेनामी संपत्तियां अतीक अहमद ने खरीद रखी थी वो एक के बाद एक सामने आता जा रहा है, तो ऐसे में कहीं ये लोग तो नहीं है जिन्होंने अतीक अहमद को सुपारी दे करके मरवा दिया है। इन सारी चीज़ों को लेकर के पर्दाफाश कुछ घंटे में होगा जब ये पूछताछ पूरी हो चुकेगी। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार ये तीन युवक कौन थे, इनका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है। जिस तरह की वारदात रोमाना इन्होंने की है, बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज में भीड़ में वारदात की है, और उस वक्त की है रोमाना जब भारी पुलिस का जत्था अतीक अहमद के साथ मौजूद था। और आम क्रिमिनल इतनी बड़ी हिम्मत, इतना बड़ा कलेजा आसानी से नहीं दिखा गया। जिस तरीके से गोलियों से भून डाला गया माफिया ब्रदर्स को, यह भी समझ में आ रहा है कि बाकायदा रेकी करके, बाकायदा पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत इस हत्या को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया। निश्चित रूप से रोमाना, जो हमारे सोर्सेज का कहना है कि 3 दिन पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद रहा है और इन 3 दिन इन तीनों बदमाशों ने लगातार अतीक अहमद और अशरफ की रैकी की है। एक एक जगह जहां अतीक अहमद जाता था ये भी पहुंचते थे छुप करके और देखते थे कि कब वो कैजुअल होता है, कब उन्हें वारदात करने का मौका मिले। और आज जब इस अस्पताल में रूटीन चेकअप के लिए अतीक अहमद और अशरफ आए हुए थे और रूटीन चेकअप के बाद जो वो बाहर निकल रहे थे, तो आप समझ सकते हैं कि ये वो जगह जो रैंप है हॉस्पिटल का, उससे बमुश्किल 10 कदम दूरी पर ये पहुंचे थे। यहां से अतीक अहमद और अशरफ निकल करके आए थे जहां पर अभी रोक दिया गया है, यहां भीतर जाने की परमिशन नहीं है। इस जगह से निकल करके और वो जो स्पॉट है जहां पर शूट आउट हुआ है वो महज चंद कदम है, 10 से 12 कदम है, और इतनी ही दूर वो बाहर निकल के आए थे, मीडिया से बातचीत कर रहे थे, कई सवालों के जवाब दे रहे थे, और उसी वक्त ताबड़तोड़ गोलियां चला करके इनको मौत के घाट उतार दिया गया। तो ये तीन जो अपराधी थे, अब इनके बारे में इनका जो रहस्य है, इनकी जो मंशा है इस कत्ल को अंजाम देने के पीछे कि ये सारी बातें क्लियर होनी है और इसको लेकर के पूछताछ लगातार रोमाना चल रही। जी संजय, एक सवाल का जवाब और दीजिए। 12 अप्रैल को एक बार फिर से साबरमती जेल से यहां प्रयागराज नैनी जेल लेकर आया गया था अतीक अहमद को। उसके बाद लगातार 13 अप्रैल से इसी अस्पताल में मेडिकल कराने का सिलसिला लगातार जारी था, जहां कल रात करीब 10:30 बजे के आसपास इस वारदात को अंजाम दिया गया, जहां अतीक और अशरफ का खात्मा हुआ। संजय,
जी बिल्कुल, इसी हॉस्पिटल में अतीक और अशरफ दोनों को लाया जा रहा था। यहीं पर उनको जो बीमारियां थी, जो तकलीफ थी, चूंकि जिस तरह की बातें सामने आई थी, अतीक अहमद को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, डायबिटीज़ भी था, उसी लिहाज से उसको यहां पर ला करके ट्रीटमेंट कराया जा रहा था। और कल भी उसको यहीं पर लेके आए थे और यहीं पर उन तीन बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके दोनों को मौत की घट उतार दिया गया। यही वो स्पॉट है, फिर से मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, जिसको इस वक्त बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है, किसी को भीतर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो ये वो जगह है जहां पर अतीक अहमद और अशरफ को ताबड़तोड़ गोलियां मारी गई। यहां पे एक बार फिर से प्रेम सिंह दिखाइए, जमीन पर देखिए कितने गोलियों के जो निशान है वो आपको नजर आएंगे। रोमाना, कितनी ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं कि ये सीमेंटेड फर्श है, आरसीसी फर्श है और इसको छेदी है, कई गोलियों ने छेद बनाया है इसमें, आप देख सकते हैं साफ तौर पर। तो यहाँ वो शूट आउट हुआ है जो कल रात करीब 10:30 बजे हुआ, जिसमें अतीक अहमद और अशरफ दोनों की मौत हो गई है, दोनों का नृशंस तरीके से कत्ल कर दिया गया है। और अब उन तीन युवकों से पूछताछ की जा रही है, उनकी मंशा जानने की कोशिश की जा रही है। अभी तक बहुत स्पष्ट नहीं है कि इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं है, तो ऐसे में सुपारी किलिंग की आशंका भी रोमाना काफी प्रबल मानी जाती है। रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास संजय त्रिपाठी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।